तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। बदलते मौसम की वजह से बिहार में बच्चों में लगातार वायरल फीवर का कहर दिन ब दिन देखने को मिल रहा है। यहाँ बच्चों में वायरल फीवर के अलावा सस्पेक्टेड AES और निमोनिया का भी असर देखने को मिल रहा है। बात गोपालगंज जिले की करें तो गोपालगंज के सदर अस्पताल में SNICU वार्ड का पूरा बेड फुल हो चुका है। यहाँ SNICU के अलावा PU वार्ड भी बनाया गया है, जहाँ इमरजेंसी होने पर बच्चों को भर्ती किया जा सकता है। जबकि निजी क्लिनिक में भी बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सदर अस्पताल में SNICU वार्ड के चिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार के मुताबिक यह पर 10 बेड है। प्रतिदिन लगभग 25 बच्चे यहाँ पर वायरल फीवर और दूसरी बीमारियों से ग्रसित होकर आते हैं। ज़्यादा इमरजेंसी होने पर बच्चों को यहाँ भर्ती किया जाता है। बच्चों में सामान्य सर्दी, बुखार और खांसी के ही लक्षण देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टर संजय कुमार के मुताबिक बच्चों में बीमारी ज़्यादा घातक नहीं है, वे कुछ सप्ताह में ठीक हो जा रहे हैं। चिकित्सकों के मुताबिक बदलते मौसम की वजह से बच्चों में लगातार इस तरह के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। शहर सिनेमा रोड स्थित निजी क्लिनिक के चिकित्सक डॉक्टर जयेश कुमार राय के मुताबिक सितंबर से अक्टूबर तक वायरल फीवर का असर रहेगा। बच्चों को सावधान रखने की जरूरत है। अभी फिलहाल वायरल फीवर, AES और निमोनिया वाले लक्षण के बच्चे ज्यादा आ रहे हैं। चिकित्सकों ने बच्चों को बाहर के खाने के सामान नहीं खरीदने की अपील की है।